जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो पहला सेशन सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है, दी गई आप त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है एबीसी, इस त्रिभुज के बीसी के पैरेलल एक डीई रेखा है, ठीक है, दिया हुआ है। फिर कह रहा है एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, एडी एडी बराबर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, एई बराबर दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है ईसी, ईसी बराबर दिया हुआ है आपका 4.8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है ए बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हमको ए सी निकालना हुआ, ए सी, तो ए सी के लिए हम इसको इसको ऐड कर लेते हैं, इसको इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमको पता है जब एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो उनका जो रेशियो होता है, आप आइए देख लेते हैं, ए डी अपान ए बी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए डी अपान ए बी बराबर आप कर सकते हैं एई अपान ए सी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग आगे लेके चलते हैं, ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू नहीं है, ए बी पूछ ही रहा है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए बी बराबर पूछ ही रहा है। अब ध्यान दीजिए, एई का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8, कितना दिया हुआ है 8। तो ध्यान दीजिए, यहां से इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 8 3 24 कर लेते हैं और 8 4 32 कर लेते हैं, ठीक है, और 4 2 8 कर लेते हैं यहां से, और 2 का मल्टीप्लाई इधर और ए बी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका ए बी, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, अर्थात ए बी का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है, दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसमें डीई पैरेलल बीसी है, अर्थात बीसी के समांतर डीई है। फिर कह रहा है एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, एडी बराबर इसमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डीबी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो डीबी आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद एसी बराबर दिया हुआ है, टोटल एसी बराबर दिया हुआ है 6.6 सेंटीमीटर, सॉरी 6.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है एई का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछ रहा है, एई का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग अगर यहां से टोटल इसका निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, टोटल यहां से 11 हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं ए बी, सॉरी एडी, एडी अपान ए बी बराबर लगाते हैं एई अपान ए सी, इसी फार्मूले पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एई का वैल्यू पूछा है। तो एडी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 11 इक्वल टू हो जाएगा, एई का वैल्यू आपको नहीं पता है, एई का वैल्यू पूछ ही रहा है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 6.6, ठीक है, तो यहां से हम इसको कटा देते हैं तो 0.6 आ जाएगा, कितना जाएगा 0.6, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एई का जो वैल्यू आएगा आपका निकल के आएगा 6.4 या 24, अर्थात 2.4 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के सवाल को लगा लेते हैं, ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दी गई त्रिभुज एबीसी में। तो ध्यान दीजिए,
दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, तो देखिए डीई पैरेलल क्या है, बीसी के, अर्थात डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है। उसके बाद कह रहा है एडी अपॉन डीबी बराबर 3/5 है, तो ध्यान ये यहाँ पे दिया हुआ है एडी अपॉन डीबी बराबर 3/5 तथा एसी एसी बराबर दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, तो ए ई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, फॉर्मूला हमारा बनता है एडी अपॉन डीबी बराबर बनता है ए ई अपॉन ई सी, यही बनता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं, एडी अपॉन डीबी का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 रख देते हैं। ए ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ए ई का वैल्यू हम लोग यहां पर रखते हैं। ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए सी का वैल्यू आप क्या करेंगे, ए सी माइनस ए ई कर लेंगे तो ई सी आ जाएगा, तो ए सी माइनस ए ई कर लेते हैं, ठीक, ए सी माइनस ए ई। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 3/5 बराबर ए ई आपका यहाँ पे है, ए सी का वैल्यू दिया है 5.6 माइनस ए ई, ठीक। अब हम लोग इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान दीजिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5AE बराबर आपका, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 3 5 15 1 16, 16.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3AE, अब 3AE इधर आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 8AE हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 16.8, कटाएंगे तो 8 2 16, 8 1 8, तो इस तरीके से ए ई बराबर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, तो ए ई का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर, तो आपका देखिए दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जी दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है दिया हुआ है दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, तो ध्यान दीजिए त्रिभुज है एबीसी, एबीसी में डीई जो है बीसी के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। फिर कह रहा है एडी बराबर 1 सेंटीमीटर, एडी बराबर x सेंटीमीटर है, तो हम लोग एडी बराबर x सेंटी लिख लेते हैं, x सेंटीमीटर। डीबी बराबर दिया हुआ है x माइनस 2 सेंटीमीटर, तो x माइनस 2 सेंटीमीटर रख लिए। ए ई बराबर दिया हुआ है x प्लस 2 सेंटीमीटर, तो x प्लस 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं। ई सी बराबर दिया हुआ है x माइनस 1 सेंटीमीटर, तो x माइनस 1 सेंटीमीटर रख लेते हैं। फिर पूछ रहा है x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आइए हम लोग देख लेते हैं एडी अपान डीबी बराबर ए ई अपान ई सी कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपका एक्स अपान एक्स माइनस 2 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 2 अपान एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का एक्स में करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोष्ठक में प्लस भी एक कोष्ठक में माइनस भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना जाएगा 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 4, तो देखिए एक्स का वैल्यू आपका 4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल के सेशन को कंप्लीट करते हैं आज का, आज जो भी क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।